Hello everyone, welcome again. This is Vinay Pandey here again. Riemann integration में आज का जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ वो वीडियो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में. रियल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हम इसके पहले के वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं, काफ़ी थ्योरम्स हम कर चुके हैं. तो आप उन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से वो वीडियोस को देख सकते हैं. तो आज फंडामेंटल थ्योरम जो हम पढ़ रहे हैं उसको स्टार्ट करते हैं. उसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है. इफ़ एफ इज आर इंटीग्रेबल इन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, यानी कि फंक्शन जो है रीमेन इंटीग्रेबल है. क्या मतलब है इस रीमेन इंटीग्रेबल का, कि लोअर रीमेन इंटीग्रेशन और अपर रीमेन इंटीग्रेशन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. कैपिटल एफ इज अ प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल एफ. ये प्रिमिटिव वर्ड क्या होता है देखते हैं इसको, क्या दिया हुआ है. जो एफ है, स्मॉल एफ है, वो आर इंटीग्रेबल है. एंड कैपिटल एफ इज अ प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल एफ ऑन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी. प्रिमिटिव वर्ड जहां भी आप पढ़ेंगे वो प्रिमिटिव के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो इंटरवल होना चाहिए बाउंडेड इंटरवल होना चाहिए, वैल्यूज बाउंडेड होने चाहिए. तो स्मॉल एफ अगर कैपिटल एफ अगर स्मॉल एफ का प्रिमिटिव है तो इसका मतलब होता है कि जो कैपिटल एफ है उसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो स्मॉल एफ के इक्वल आएगा. ये प्रिमिटिव का मतलब होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी. ये आपको गिवन है. कैपिटल एफ इज अ प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल एफ. प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि कैपिटल एफ जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन स्मॉल एफ के इक्वल आएगा और इसमें आप एक्स की इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो ये आपको दिया हुआ है. तो आपको प्रूव करना है कि अगर हम स्मॉल एफ एक्स का ए से बी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कैपिटल एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल आएगा. देखिए ये कैपिटल एफ का डिफ्रेंशिएशन क्या है, स्मॉल एफ के इक्वल है, यानी कि कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल हुआ क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इसके इक्वल आ रहा था. इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है. तो हियर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल होगा. एंड अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी. तो आपको पता है कि हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. इससे पहले एक पार्टीशन में कंसिडर कर लेता हूँ, इस लाइन को मैं बाद में यूज़ करूँगा. फंक्शन डिफरेंशिएबल है ये आपको पता है क्योंकि प्रिमिटिव वो दिया हुआ है. तो इससे पहले हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो पार्टीशन है एक क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का वो क्या है. लेट पी इज इक्वल टू ए एक्स नॉट एक्स वन से लेकर के एक्स आर माइनस वन एक्स आर एक्स एन इक्वल टू बी be a partition of closed interval a comma b. और एक closed interval a comma b का partition अगर है तो यहाँ पर rth sub interval क्या रहेगा, ir की value अगर हम बात करें तो x r माइनस वन और x r. अब आप यहाँ देखिए अगर ये कैपिटल f इस पूरे closed interval में differentiable है तो इतने interval में भी differentiable होगा क्योंकि इसी का तो sub interval हम ये ले रहे हैं यहाँ पे. तो here जो कैपिटल एफ है उसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल आ रहा है, स्मॉल एफ के. तो इसका मतलब है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा. तो इतने इंटरवल में भी कंटिन्यूअस होगा. देयरफॉर बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम. लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता था, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में कंटिन्यूअस भी है तो इसके बीच में एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिस वैल्यू पे फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है, किस फंक्शन का, कैपिटल एफ का, कैपिटल एफ का इसके बीच में हम एक वैल्यू ले रहे हैं एप्साइलन आर ले रहा हूं मैं, इसके बीच की वैल्यू है. लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या था, फंक्शन अगर इसमें डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस दोनों है तो इसके बीच में एक वैल्यू एप्साइलन आर ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल आता था, एफ बी माइनस एफ ए. या क्योंकि इंटरवल तो हम ए और बी का अभी फिलहाल नहीं ले रहे हैं, इंटरवल तो ये ले रहे हैं,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स आर माइनस एफ एक्स आर माइनस वन अपॉन में क्या आ जाता है, बी माइनस ए आता, तो बी माइनस ए की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स आर माइनस वन, इक्वेशन नंबर टू। तो ये दो पार्ट हम, दो इक्वेशन हमने ले ली है, एक तो प्रिमिटिव वाली कंडीशन से ली है और एक हमने लेग्रांज मीन वैली थ्योरम का यूज करके हमने लिया हुआ है। इसको साथ ही साथ हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी इसका कर लेते हैं, फिर उसको इक्वेशन टू मार्क कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो एफ डैश एप्सिलॉन आर इंटू एक्स आर माइनस वन इज इक्वल टू एफ एक्स आर माइनस एफ एक्स आर माइनस वन। इक्वेशन वन का यूज करते हैं, इक्वेशन ये इक्वेशन टू हो गई। इक्वेशन वन में क्या था कि कैपिटल एफ का जो भी डिफरेंशिएशन है वो स्मॉल एफ के इक्वल आ रहा है, तो एफ डैश एप्सिलॉन आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल एफ है स्मॉल एफ के इक्वल, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एफ एप्सिलॉन आर, ये प्रिमिटिव वाली कंडीशन हमने यूज करी है, बाकी सारी वैल्यूज ऐसे हम लिख दे रहे हैं, एक्स आर माइनस वन एफ एक्स आर और एफ एक्स आर माइनस वन, और ये हमने कौन सी इक्वेशन का यूज किया है यहाँ पे, इक्वेशन वन का। अब इक्वेशन वन मैं हटा दे रहा हूं, अगर हम दोनों साइड समीशन ले लें, यहां ये तो क्लियर है कि जो एप्सिलॉन आर है वो एप्सिलॉन आर किसके बीच में है, वो एक्स आर से बड़ा होगा और सॉरी एक्स आर माइनस वन से बड़ा होगा और एक्स आर से छोटा होगा, क्योंकि वैल्यू उस इंटरवल के बीच की ही होती है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में, ये आपने पढ़ा हुआ है। अगर मैं दोनों साइड समीशन लेता हूँ, समीशन आर इक्वल टू वन टू एन, सॉरी हाँ वन टू एन, और यहाँ समीशन आर इक्वल टू वन टू एन। अब आप देखिए, अगर हम समीशन का यहाँ पे यूज़ करते हैं तो ये जो वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स आर माइनस वन को हम क्या लिखते हैं, डेल एक्स आर लिख लेते हैं, आर इक्वल टू वन टू एन, इसको हम क्या लिखते हैं, डेल एक्स आर, ये पहले के वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, और ये हो गया एप्सिलॉन आर। और ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोज़ में हमने देखा था कि अगर हम ये समीशन को एक्सपेंड करते हैं तो पहला टर्म क्या आएगा, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट, फिर एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन, तो बीच के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते थे, इसमें सिर्फ दो टर्म बचते थे, एक लास्ट टर्म और एक सबसे पहला टर्म एफ एक्स नॉट। तो समीशन आर इक्वल टू वन टू एन एफ एप्सिलॉन आर डेल एक्स आर, ये जो एक्स एन है वो किसके इक्वल था, बी के, और ये क्या हो गया, ए के इक्वल, एफ बी माइनस एफ ए, ये राइट साइड तो आ गई। अब हम दोनों साइड क्या करते हैं, एक लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट नॉर्म पी टेंड्स टू, जो नॉर्म है उस नॉर्म को हम जीरो की ओर टेंड कर लेते हैं दोनों साइड, लिमिट नॉर्म पी टेंड्स टू जीरो। अब इसको ध्यान से समझिए, अब ए कॉमा बी एक क्लोज इंटरवल था, इसका पार्टीशन हमने लिया था एक्स नॉट एक्स वन एक्स आर माइनस वन एक्स आर ऐसे करके एक्स एन, ये पार्टीशन लिया हुआ है। और नॉर्म क्या होती है, नॉर्म नॉर्म होती है जो ये सब इंटरवल बन रहे हैं इनकी, जब आप डिस्टेंस निकालोगे, इसको इससे माइनस करोगे, इससे इसको माइनस करोगे, सबको माइनस करके जब आप निकालोगे, दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज को माइनस करके जो हम निकालते हैं वो इन सब इंटरवल की क्या होती है, लेंथ होती है। तो ये जितनी भी लेंथ है, इन लेंथ में जो सबसे बड़ी लेंथ होती है उसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, नॉर्म। तो अगर नंबर लाइन के थ्रू देखें हम, तो ये लेंथ है इसकी, ये सब लेंथ जो छोटी छोटी लेंथ बन रही है इनमें जो सबसे बड़ी लेंथ होगी उसी को हम नॉर्म बोलते हैं। अगर नॉर्म को जीरो की ओर टेंड कर दें हम, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, नॉर्म का मतलब क्या है, लेंथ, और लेंथ को ही अगर हम जीरो टेंड कर दें तो इसका मतलब ये जो लेंथ है वो छोटे छोटे पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेंथ जीरो होने का मतलब क्या है, ये एक लेंथ है, इसको जीरो की ओर टेंड करने का मतलब क्या है कि इसको हम एक पॉइंट बना दे रहे हैं, तो छोटे छोटे पॉइंट कंटिन्यूस पॉइंट है, और कंटिन्यूस पॉइंट में अगर समीशन होता है, कंटिन्यूस पॉइंट में अगर समीशन होता है और लिमिट के साथ अगर समीशन होता है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि ये जो समीशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में। जो ये लेंथ थी, इन लेंथ को हमने जीरो की ओर टेंड किया, जीरो की ओर टेंड करने से क्या होगा, ये कंटिन्यूस लेंथ हो जाएगी, और कंटिन्यूस पॉइंट का अगर हम समीशन लेते हैं तो उस समीशन को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन हो गया। अब ये जो एप्सिलॉन है ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स
क्योंकि अब तो ये जनरल वैल्यू आ गई एक्स और डी एक्स, क्योंकि कंटिन्यूस पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक ले रहे हैं और ये सब किसकी वैल्यूज़ हैं, एक्स की, तो इसकी जगह पे एक्स आ जाएगा, ये डी एक्स हो गया। और आप देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी फिर, ए से लेकर के बी तक हम जा रहे हैं और राइट साइड में क्या आ रहा है, एफ बी माइनस एफ ए। और यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में। तो प्रिमिटिव आपको समझ में आना चाहिए, आपको लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ याद होना चाहिए, बस उन्हीं का हमने यूज़ किया है और हमने प्रूफ कर दिया है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसका प्रूफ आप प्रिपेयर करें, अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपका ये जो प्रूफ है आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आप वीडियोस को सीक्वेंस में देखिए।